हेलो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2006 एग्जाम ये क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए पूछा गया था तो मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ देन विल बी सॉल्विंग इट अ कैश लाइन इज 64 बाइट्स द मेन मेमोरी हैज अ लेटेंसी 32 नैनोसेकंड्स एंड बैंडविड्थ 1 जीबी पर सेकंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द एंटायर कैश लाइन फ्रॉम द मेन मेमोरी इज ओके यानी कि अगर एक कैश लाइन 64 बाइट्स की है तो ऐसी कैश लाइन को रैम में से फेच करके कैश में लाने के लिए कितना टाइम लगेगा अब मेन मेमोरी या रैम की लेटेंसी आपको गिवन है 32 टू नैनो सेकेंड्स यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट जब आप एक वर्ड के लिए या किसी भी लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हो उस टाइम से लेके रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड डेटा ट्रांसफर होने तक बत्तीस नैनो चाहिए ओके okay, यानी कि इस ब्लॉक का डेटा ट्रांसफर शुरू होने से पहले थर्टी टू नैनो लग जाएंगे ओके सो थर्टी टू नैनो प्लस डेटा ट्रांसफर के लिए जितना भी टाइम चाहिए होगा उतना लेट्स कैलकुलेट कि डेटा ट्रांसफर के लिए कितना टाइम चाहिए होगा अगर हम 64 बाइट्स यानी कि एक कैश लाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं और बैंडविड्थ है वन जी बी पर सेकेंड नाउ यू नो वन जी बी पर सेकेंड में जो जी है उसकी वैल्यू होती है टेन रेज टू पावर नाइन बैंडविड्थ में हम जी की वैल्यू टेन रेज टू पावर नाइन कि टेन रेज टू पावर नाइन बाइट रिक्वायर वन सेकेंड वन जी बी पर सेकेंड ओके तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक बाइट को एक नैनो सेकंड लगेगा बिकॉज़ रेस टू पावर नाइन विल गो टू दिस साइड एंड बिकम टेन रेस टू पावर माइनस नाइन तो एक बाइट एक नैनो सेकंड ले रही है एक कैश लाइन यानी कि सिक्सटी फोर बाइट कितने तो ये है लेटेंसी और ये है एक्चुअल डेटा ट्रांसफर टाइम तो टोटल टाइम इस ट्रांसफर के लिए लगा 96 सिक्स नैनो सेकेंड विच इज योर आंसर ओके तो यहां पे बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है G की वैल्यू टू पावर थर्टी नहीं लेनी है G की वैल्यू है टेन टू दी पावर नाइन ओके okay.